भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान विदेश तक स्थापित किया। ऐसे हमारे बीच हैं श्री बुन्नू सिंह साहब जो एशियाड में कांस्य पदक लाए थे जूडो में, सीआरपीएफ के सबसे बड़े पहलवान हुआ करते थे, नेशनल में गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया था और एशियाड में जाकर जापान के पहलवान से टक्कर लिया था, कांस्य पदक मिला था, पूरा देश उन दिनों झूम उठा था और वाह बुन्नू सिंह वाह बुन्नू सिंह, हमको गर्व है ऐसे जवान पर। इस तरह से हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इन्हें सम्मानित किया था, तत्कालीन खेल मंत्री ने किया था, यहाँ भी सम्मान हुआ था। 1 क्विंटल 40 किलो का पहलवान, 1 क्विंटल 65 किलो पहलवान से लड़े थे, सुपर हैवी वेट इसे कहा जाता है। और उस समय जब सरकार ने कहा था यहाँ व्यायामशाला बनेगा, यहाँ सड़क बनेगी, यहाँ चिकित्सालय बनेगा, कुछ हुआ नहीं। आज यह भयंकर रूप से लीवर के बीमारी से ग्रसित हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और वर्तमान में इन्हें डायबिटीज भी है। 15,000 महीने का पेंशन और 10,000 रुपये दवा में लगता है। सिंह साहब, उस समय आप कैसे अभ्यास करते थे? जैसे ऐसे लाठी से अगर आपको मारा जाए तो क्या होता था? कुछ नहीं असर होता, असर होता ही नहीं था। लाठी का क्या होता था? लाठी टूट जाती, लाठी टूट जाती। कैसे? कोई दूसरा पीटता था, अपने मारते थे? अपने आप मारते। कैसे कैसे? जैसे दोनों हाथ से पकड़ के आप मारिएगा मत, ऐसे बताइए। हाँ। और पूरा घुमा करके मुसक पर मारते थे, इस पर इस पर इस पर मारते थे। आपकी यह तो पकड़ में नहीं आ रहा है, या तो बहुत आपकी चौड़ी हड्डी रही है। तो यह सब बचपन से ही आपके जेहन में था ना? जी। जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद, जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ करके जाया करते थे, बाद में सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। सिंह साहब, कैसा लग रहा है? एक समय था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबने सम्मान किया और आज दवा ठीक से नहीं हो पा रही है, कैसा लग रहा है आपको? खराब लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। यह देखिए, यह उस समय जवानी का फोटो, जवानी का फोटो मैं दिखा रहा हूँ। यह है बुन्नू सिंह साहब के जवानी का फोटो। यह वह चित्र है जब ज्ञानी जैल सिंह ने, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने सम्मानित किया था यह मूछ वाले, जिन पहलवान को देख रहे हैं। मूछे तो अब भी हैं लेकिन मूछे सफ़ेद हो गई हैं और उम्र का असर है, 83 साल उम्र हो गई है। 1944 में पैदा हुए थे, 100 साल तो आराम से जीते, गरिमा के साथ जीते, संपूर्ण गरिमा से आच्छादित जीवन जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं पूरा मामला, आपकी धर्मपत्नी हैं जो इनकी देख रेख करती हैं, बड़े लड़के सीआरपीएफ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए हैं, छोटे लड़के इनकी देखभाल करते हैं। मैं पूरा मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सहित, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर दास मोदी जी को भेजूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि संपूर्ण गरिमा के साथ इन्हें जीने का अवसर मिले और ये लगे कि बहादुर हमारे सैनिक ने जो देश का नाम रोशन किया है, एशियाड में कांस्य पदक लाने का काम किया है, उसका जीवन इस तरह से न हो। आज हम हैं कनेरी गांव में, गाजीपुर जनपद के सादात विकास खंड का यह कनेरी गांव, जहां हम श्री आदरणीय श्री बुन्नू सिंह जी के साथ खड़े हैं। यह भुजाएं बलवती थी, पछाड़ती थी और इनके आगे कोई टिकता नहीं था, या शेर जैसा सीना हुआ करता था और इनकी केले का जो तना होता है उसके जैसी जांघें हुआ करती थी, लगभग 6 फुट लंबाई, 140 किलोग्राम भार वजन का यह पहलवान आज इस दशा में। मैं पूरा मामला उचित माध्यम को संदर्भित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आप पर पूरे देश को गर्व है और हम लोग पूरा मामला संदर्भित करते हैं।